25 दिसंबर 2023। 25 दिसंबर इस हवाले से बहुत अहम है कि इसमें हजरत ईसा की विलादत, ईसाई बरादरी का एक बड़ा त्योहार ईद। फिर हमारे और बहुत से अजीज कारे, बहरहाल ये पाकिस्तान के हवाले से देखा जाए तो एक इंटरनेशनल छुट्टी है, लेकिन 26 दिसंबर भी हमारी शायरी और अदब के हवाले से, पाकिस्तानी शायरी अदब के हवाले से बहुत है। 2006 को 26 दिसंबर को मुनीर नियाजी इस दुनिया से रुखसत हुए और 1994 26 दिसंबर ही को खुशबू इस दुनिया से रुखसत हुई। मेरी मुराद परवीन शाकिर से, जो खुशबू की खालिक है, उनकी किताब पहली। 25 दिसंबर के हवाले से कहूं, या दिसंबर के हवाले से कह देते हैं कि दिसंबर जब ये 71 में गुजरा तो बहुत ही गर्वनाक था। दिल तो चाहा पर शिकस्ते, दिल ने मोहलत ही ना की थी, कुछ गिले शिकवे भी कर लेते मुनाजातों के बाद। हमके ठहरे अजनबी कितनी मुलाकातों के बाद, फिर बनेंगे आशना कितनी मदारातों के बाद। फैज अहमद फैज, मगरबी पाकिस्तान पाकिस्तान बन गया और मशरकी पाकिस्तान बांग्लादेश। लेकिन इसके बाद शेर व अदब के हवाले से और फन के हवाले से एक बड़ा अच्छा खिताम उठाया हुकूमत ने, और पंजाब लाहौर में अलहमरा के अलावा आर्ट्स काउंसिल्स का जो अदारा सकाफत कहलाता है बलूचिस्तान, इसमें अताशाद मरहूम को रेजिडेंट डायरेक्टर तैनात किए। हम भी नए नए मुतारिफ हुए थे बहुत बतौर शायर, और पाकिस्तान की उर्दू शायरी के उफक पर दो दरख्शां सितारे नमूदार हुए, एक इफ्तिखार आरिफ और दूसरे परवीन शाकिर। अगर ये शायर थे जान बोलता, लेकिन अपने भरपूर एंट्री जैसे कहिए वो इन्होंने दी। और गालबन 1976, 77, 78 और फिर उसके बाद भी था, लेकिन ये वो साल थे कि जब बहुत ही हमने, हम भी शरीक रहे मशायरों में, जैसे मुनीर नियाजी, इफ्तिखार आरिफ, उस जमाने के सारे बड़े शायर परवीन शाकिर। तो परवीन शाकिर, जैसा कि आपको मालूम है कि परवीन शाकिर शायरी में क्यों अहम है कि इन्होंने निस्वानी जज्बात की बड़ी अच्छे अंदाज में अक्कासी की है। वैसे तो आप शायरात को देखें तो बहुत अच्छी शायरात हैं, लेकिन कब उनके कलाम से ये नहीं मालूम होता कि किसी मर्द का कलाम है या औरत का कलाम। परवीन शाकिर के हां औरत बोलती है, लड़की बोलती है, लड़की चुप रहती है, चुप की जबान में कहने की कोशिश करती है। परवीन शाकिर के हौसला अफजाई में अहमद नदीम कासमी का बड़ा हाथ रहा और उन्होंने भी उससे अकीदत का इजहार किया। कूबकू फैल गई बात शनासाई की, उसने खुशबू की तरह मेरी पसीरा, वो जहां भी गया लौटा तो मेरे पास आया, बस यही बात है अच्छी मेरे साथ आएगी। उसने जलती हुई पेशानी पे जो हाथ रखा, रूह तक आ गई तासीर मसीह आएगी। अब हम कुछ और शेर ऐसे देखते हैं
जिसमें औरत बोलती है, खामोश रहकर भी बोलती है, मुस्कुरा कर भी बोलती है, उसके आंसू भी बोलते हैं, उसके जज्बात भी बोलते हैं। यूं बिछड़ना मेरा आसान न था उससे, मगर जाते जाते उसका वो मुड़कर दोबारा देखना। तासर देखिए, रफाकतों के नए ख्वाब खुशनुमा है मगर, रफाकतों के नए ख्वाब खुशनुमा है मगर, गुजर चुका है तेरा एतबार का मौसम, गुजर चुका है तेरे एतबार का मौसम। रात हर चंद के साजिश की तरह गहरी है, सुबह होने का मगर दिल में यकीन रखता है। हर नए साल की आमद पे ये क्यों सोचती हूं अब बदल जाएंगे हालात, जरूरी तो नहीं। कौन जाने के नए साल में तू किसको पढ़े, तेरा मायार बदलता है निसाबों की तरह। अपनी तन्हाई मेरे नाम पे आबाद करे, अपनी तन्हाई मेरे नाम पे आबाद करे, कौन कौन होगा, कौन होगा जो मुझे इस तरह याद करे। अपने कातिल की जहानत से परेशान हूं मैं, रोज एक मौत नए तरस की ईजाद करे। तुमने तो थक के दश्त में खैमे लगा दिए, तन्हा कटे किसी का सफर तुमको इससे क्या। याद तो होंगी वो बातें तुझे अब भी, लेकिन शेल्फ में रखी हुई बंद किताबों की तरह। आगे शेर देखिए, तेरी खुशबू का पता करती है मुझ पे एहसान हवा करती है, शब की तन्हाई में अब तो अक्सर गुफ्तगू मुझसे रहा करती है। जिंदगी मेरी थी लेकिन अब तो तेरे कहने पे रहा करती है, उसने देखा ही नहीं वरना ये आंख दिल के अहवाल कहा करती है, दिल के अहवाल कहा करती है। फिर एक बार तुझी से सवाल करना है, निगाह में तेरा मनसब बहाल करना है। लहू से सींच दिया और फिर ये तह पाया, उसी गुलाब को अब पामाल करना है। अगर से तन्वी परवीन शाकिर के बहुत से अशार हैं, लेकिन यहां चंद अशार मैं वो कर रहा हूं। मैं सच कहूंगी और फिर भी हार जाऊंगी, वो झूठ बोलेगा और लाजवाब कर देगा। नींद तो ख्वाब हो गई शायद, जिनसे नायाब हो गई शायद, अपने घर की तरह वो लड़की भी, अपने घर की तरह वो लड़की भी नजर सैलाब हो गई शायद। तुझको सोचूं तो रोशनी देखूं, यूं तो माताब हो गई शायद। तू बदलता है तो बेसाख्ता मेरी आंखें अपने हाथों की लकीरों से उलझ जाती हैं। कमाल जब्त को खुद भी तो आजमाऊंगी, कमाल जब्त को खुद भी तो आजमाऊंगी, मैं अपने हाथों से उसकी धुलन सजाऊंगी। परवीन शाकिर के बहुत से अशआर हैं, लेकिन तकाजा यही होता है जरा बात मुख्तसर सी हो। इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह कल मुनीर नियाजी की याद में, उसकी याद के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह।